अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर इशारों इशारों में कटाक्ष करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि तुम 13वीं खाने जाओ या पंगत खाने जाओ, जाते तो वोटों की जुगाड़ में हो। उन्होंने आगे कहा कि सजा होगी तो सहानुभूति लूटना चाहोगे और छूट कराओगे तो ढोल नगाड़े बजाओगे जैसे कोई दतिया के लिए पुरस्कार लेकर आए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत किला चौक के मैदान से सुपर क्लीन संडे अभियान की सायरन बजाकर शुरुआत करते हुए कहा कि हम सभी लोग स्वच्छता में पहले नंबर पर अपने दतिया को लाने का प्रयास करें। जिन गलियों में खेल कूद कर अपना बचपन बिताया है उनको साफ सुथरा रखना हम सबका दायित्व तो बनता है। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना की तर्ज पर उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की कार्यशैली पर शायराना अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि वह शादी समारोहों या 13वीं में शामिल होने जाते हैं तो वोटों के लिए, लोगों के दुख दर्द में व विकास कार्यों में उनकी रुचि नहीं दिखती है। जमीन हड़पने के मामले में ढोल नगाड़ों के साथ जेल से बाहर निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ओलंपिक जीत करा रहा है। सबसे अच्छे नहीं, गरीबों की जमीन अपने नाम करा लोगे, ये सबसे अच्छा नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। सजा होगी तो सहानुभूति लूटना चाहोगे और छूट के आओगे तो ढोल नगाड़े बजाओगे जैसे गोल्ड मेडल जीत के आए, जैसे दतिया के लिए पुरस्कार लेके आए। हम तो कह रहे हैं कि अगर वो गलती हमारी है, चूंकि सरकार हमारी है, तो आप जाओ और उस जो इसी स्थान पर 15 दिन तक ठंड में बैठी रही, तुम तेरे ही खाने जाओ या पंगत खाने जाओ, जाते बूटों की जुगाड़ में, पूरी खाते में भी तुम्हारी नजरें बूटों को ही ढूंढती रहती है। ये दतिया की जनता मेरे मित्र बहुत समझदार है, बिना मांगे वोट देती है। उदाहरण में बैठा हूँ सामने, तुम जितने नेता विरोध कर रहे थे ना इकट्ठे होके, सब अपने वार्डों से आ रहे हो सबने और मुझे वोट दिया, क्योंकि ये जनता बहुत योग्य है, ये विकास को पसंद करती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सायरन बजाकर स्वच्छता का पैगाम भेजा, लेकिन वहीं लोगों में जागरूकता का अभाव भी दिखा। मुख्य मार्गों पर कूड़े कचड़े के ढेर लगे दिखे, जबकि नगर पालिका प्रशासन ने पोस्टर बैनर दीवार लेखन जैसे कार्यों में पानी की तरह पैसा बहाया है। मंत्री की मंशा है कि दतिया नंबर वन बने, लेकिन उनके मातहत कार्य करने वाले नौकरशाहों की मंशा है कि खाओ कमाओ फैलाओ में दतिया नंबर वन रहे। शहर के मुख्य मार्गों की तस्वीर बदलने से हकीकत नहीं बदली जा सकती। गली कूचों की नालियाँ, पुरानी कचहरी की नाली, बस स्टैंड का मुख्य नाला कीचड़ से लबालब है। बुंदेलखंड टुडे न्यूज चैनल किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन लोकतंत्र का चौथे स्तंभ होने का दायित्व निभाता है। उनका नजरिया क्या है वह जाने, लेकिन निष्पक्ष खबर प्रकाशित करने की भूमिका अदा करता रहेगा। सुपर क्लीन संडे अभियान की मंच से आगामी चुनावी सभा का शब्दावली के साथ शंखनाद हो चुका है। जिसने जैसा बोया है वैसा ही वह काटेगा। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।